अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ टारगेट पेपर बाय सर मुनीब। उनके जो एमसीक्यूज़ थे हम वो करेंगे आज की वीडियो में। टोटल 99 एमसीक्यूज़ थे, तो उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज कॉल्ड, तो वो होता है एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। उसके बाद है, द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज नोन एज। पेपर थोड़ा सा ब्लर है, मैं यहाँ रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, स्क्रीन शॉट क्लियर थे लेकिन वीडियो में पेपर जो है वो थोड़ा ब्लर हो गया। खैर, तो जो कैटालाइटिक एक्टिविटी हो रही होती है वो होती है उसकी एक्टिव साइट पे, वो जो साइट होती है जहाँ से वो कैटालाइटिक एक्टिविटी करवा रहा होता है वो एक्टिव साइट कहलाती है। उसके कोई और नाम बुक में एज सच मेंशन नहीं है, ना तो कैटालाइटिक साइट लिखा है ना बाइंडिंग साइट लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसको हम एक्टिव साइट ही कहते हैं। उसके बाद है, राउंड वॉर्म्स आर, तो राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो सीडोसिलेमेट होते हैं। सीडो मीन्स फॉल्स, सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी, जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है वो सीडोसिलेमेट कहलाते हैं, जो कि राउंड वॉर्म्स होते हैं। उसके बाद है, एनिमल विदाउट अ बॉडी कैविटी, यानी कि एक तो होते हैं जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है और दूसरे होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, वो कहलाते हैं ए सीलोमेट्स। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो ए सीलोमेट है, जो कि होते हैं प्लेथिहल मेंथस। उसके बाद है, एनालिडा हैज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था कि एनालिड्स वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्होंने पहली दफ़ा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप किया था, वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, तो उनके पास होते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद था, फॉलोइंग हैव रेडियल सिमेट्री एक्सेप्ट, ऑप्शन में कह रहे हैं जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस या फिर टेप फॉर्म। तो जेलीफिश और स्टारफिश में तो रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि इकाइनोडर्म्स और साइनिडेरियंस के अंदर रेडियल सिमेट्री होती थी, लेकिन ऑक्टोपस जो है मोलस्का से बिलोंग करता है और टेप फॉर्म जो होता है वो फ्लैट फॉर्म्स होते हैं, ये दोनों बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो सिर्फ ऑप्शन ए और बी में है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल जो होते हैं सी और डी हैं। तो मेरे ख्याल से इस ऑप्शन शायद सवाल में कोई मिस्टेक है, बाकी ये कि इस तरह से तो हो नहीं सकता, कोई एक ऑप्शन गलत होना चाहिए था, तो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत है, ऑक्टोपस भी नहीं होता, टेप फॉर्म भी नहीं होता, तो देख लीजिएगा इसका क्या है सही इन्फॉर्मेशन, बस आपको बतानी चाहिए, मिस्टेक्स हो जाती हैं वहाँ जगह। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोथीरिया, तो वो होता है ऑप्शन ए डक्टाइल प्लेटिपस। उसके बाद है, द कटिंग ऑफ द मिल्क इन इन्फेंट्स इज डन बाय, तो कटिंग होती है बाय द एंजाइम रेनिन, पेज 297 पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है, द रिदमिक मूवमेंट ऑफ जीआईटी इज कॉल्ड, तो वो होती है पेरिस्टेल्सिस। क्वेश्चन 10 था, द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट इन, तो सबसे एफिशिएंट जो होती है वो बर्ड्स की होती है। उसके बाद है, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल इज कॉल्ड, तो वो होता है मायोग्लोबिन, पेज नंबर 323 पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है, द नंबर ऑफ एयर सैक्स इन बर्ड्स आर, तो बुक में तो 8 to 9 लिखे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, लेकिन ऑप्शन में 8 भी दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया, ज़्यादातर जो मोस्टली बर्ड्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 9 होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इसलिए 9 चूज़ करेंगे, बाकी अगर 8 या 9 दोनों से कोई एक आ रहा है तो दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद है, डबल सर्किट हार्ट इज़ नॉट फाउंड इन, तो सबके अंदर डबल सर्किट होता है सिवाय फिश के, उसके अंदर सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती है। फिर था, द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, तो उसकी वैल्यू होती है तकरीबन न्यूट्रल, स्लाइटली बेसिक होती है, यानी कि 7.4 यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, बाकी वैसे जो होती है इसकी रेंज होती है 7.35 से 7.45, ये आपको याद होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज जो कि न्यूट्रल होती है या स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं। उसके बाद है, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, बाकी सारी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट, लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी होता है, डाइजेस्टिव में भी होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी एसोसिएटेड होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के कोई भी ना लिम्फ वेसल होती है ना लिम्फ नोड होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नर्वस सिस्टम। उसके बाद है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एस, तो वो होती है इनेट इम्यूनिटी, उसकी हेडिंग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बोल्ड हुआ वे वर्ड। फिर है, प्लाज्मोडियम बिलोंग टू दिस क्लास, प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो स्पोरोजोअन होते हैं। हार्ट इज कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड, तो हार्ट जिससे कवर होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। लंग्स जो होते हैं वो प्लूरल कैविटी से या प्लूरल कवरिंग से कवर हुए हुए होते हैं। उसके बाद है, ट्रांसफरिंग ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू द बेबी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबॉडी का जो ट्रांसफर होता है, यानी एंटीबॉडीज जब एक्सटर्नल सोर्स से आ रही होती है, चाहे वो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल होती थी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि फिर यानी एक्टिव वाले तो यहाँ पे कैंसिल हो गए ऑप्शंस, पैसिव में कौन सी, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है नेचुरल इम्यूनिटी की हेडिंग में, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, पेज नंबर 371 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया था फ्लेमिंग ने, उसके साथ दो और साइंटिस्ट थे चेन और फ्लोरी, ये वाली बात पेज नंबर 10 पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद इट इज़ एन एंटीवायरल प्रोटीन, तो वो होता है इंटरफेरॉन, इसके बारे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पेज नंबर 367 के ऊपर। उसके बाद है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनाइट टू फॉर्म, तो वो बनाते हैं लैक्टोज। आपको सबके जो है वो मोनोमर याद होने चाहिए कि कौन सा मिलके क्या बनाता है, माल्टोज का क्या था, सक्रोज का क्या। उसके बाद है, एन एंजाइम विच एक्ट्स विद इन द सेम सेल इज कॉल्ड इंटरसेलर एंजाइम, या फिर उसको एंडोएंजाइम भी कहते हैं, ये वाली लाइन जो है वो बुक में लिखी हुई पेज नंबर 43 के ऊपर। उसके बाद है, इंड्यूस फिट मॉडल वॉज प्रपोज, पर आपको याद होना चाहिए कि कॉशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया था, और जो दूसरा था कीलॉक मॉडल, वो फिशर ने प्रपोज
किया था। उसके बाद है एसीनेटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास, तो ये होती है क्लास सक्टोरिया की एग्जाम्पल। पेज 125 पे उसी की हेडिंग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है द स्केलेटन एंड स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ, तो वो बना हुआ होता है स्पाइक्यूल से, वाली बात पेज नंबर 197 पे लिखी हुई है। फिर है कि कॉरल बिलोंग टू दिस फाइलम, तो कॉरल बिलोंग करता है साइनिडेरियन से। फिर था कोला बियर एंड ओपोसम आर द एग्जाम्पल ऑफ सब क्लास, तो वो होते हैं मेटाथीरिया, ठीक है, उसी हेडिंग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स के अंदर आपको याद होनी चाहिए कौन सी क्लास की कौन सी एग्जाम्पल थी। उसके बाद था लैम्प्रे एंड हैगफिश, ये होती हैं जॉलेस फिशेस, तो उनके पास जॉस नहीं होंगी। मैंने साथ में इसके दूसरे करेक्टर्स भी बताए थे कि इनके पास स्केल भी एब्सेंट होते हैं और पेयर्ड फिन भी एब्सेंट होते हैं, आपने याद रखना था। फिर था एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोड बाय मील्स इज नोन एज, तो वो कहलाता है डिसपेप्सिया, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 302 के ऊपर। अगला सवाल है द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, की डेफिनेशन है आसान है। उसके बाद है द नंबर ऑफ थोरेसिक स्पाइरिकल्स प्रेजेंट इन कॉकरोचेस आर, तो ये टोटल 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दो थोरेसिक के अंदर होते हैं, 8 एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर होते हैं। उन्होंने पेयर्स का नहीं पूछा, उन्होंने टोटल नंबर का पूछा है, तो दो पेयर के हिसाब से टोटल हो जाते हैं 4 स्पाइरिकल्स थोरेसिक सेगमेंट के अंदर। उसके बाद है अ फॉरन सब्सटेंस दैट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, की एंटीजन की डेफिनेशन है, आपको मिल जाएगी पेज नंबर 369 के ऊपर। फिर कह रहे थे कार्टिलेजिनस फिशेस हैज दिस टाइप ऑफ स्केल्स, तो उनके पास प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 40 है फेरिंग्स लीड्स एयर इनटू लैरिंग्स थ्रू एन ओपनिंग कॉर्ड, तो जो ओपनिंग होती है वो ग्लॉटस कहलाती है, जो कि गार्डेड होती है बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एपिग्लॉटस कहते हैं। ये भी आपकी बुक की लाइन है, पेज नंबर मिल जाएगी आपको 318 पर। उसके बाद था कि इट इज़ कॉल्ड मिल्क शुगर, ये होता है लैक्टोज, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। मेरे ख्याल से यहाँ से 41 से लेके 59 तक जो सवाल हैं वो रिपीट हुए हैं, मैक कॉलेज का जो मैंने पेपर कराया था कोचिंग का, ये सारे वही सवाल हैं। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है वो आंसर डिस्कस करते जाएं, किसी को एक्सप्लेनेशन सुननी है तो वाली एमसीक्यूज वाली वीडियो देख ले जाके, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि इट इज़ अ प्रोसेस इनसाइड द न्यूक्लियस विच प्रोवाइड्स आरएनए एंड साइटोप्लाज्म, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। होलो एंजाइम को जो है वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। डैश आर टाइप ऑफ दी डब्ल्यूबीसी विच आर ऑल्सो नोन एज बिग ईटर्स, तो माइक्रोफेजेस का दूसरा नाम था बिग ईटर्स। अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ साइंटिफिक रीजनिंग, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला इज प्लेस्ड इन पैराजोआ, तो पोरिफेरा होता था और बाकी सारे मेटाजोआ होते थे। प्रोटोथीरिया जो है वो उसके अंदर एगलिंग मैमल्स होते हैं। स्केलेटन ऑफ अ ग्लास स्पॉन्जेस जो होता है वो सिलिशियस स्पाइक्यूल्स, एक ही ऑप्शन था, मेरे ख्याल से सी में काइटिन था और डी के अंदर कुछ और था। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस, तो इंटेरोकाइनेस जो होता है एक ड्यूडिनल एंजाइम होता है, पेनक्रियाटिक नहीं होता। फिर द मोनोसिस्टिस बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ फाइलम, तो वो बिलोंग करता था स्पोरोजोआ से। डैश आर द पोर्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, तो वो होते थे स्पाइरिकल्स। टोटल नंबर ऑफ इंसिजर्स बकल कैविटी इन एडल्ट ह्यूमन, तो वो होते हैं टोटल 8, मैंने बताया था किस तरह से काउंट करना था डेंटल फॉर्मूलास। उसके बाद इज अ हार्मोन विच स्टिमुलेट द पेनक्रियास टू सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, तो वो हार्मोन होता है सेक्रेटिन, बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में। डैश रिड्यूसेस द इंटरनल सर्फेस टेंशन इन एल्वोलाई टू प्रिवेंट देम टू बी कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सचेंज, तो वो था सर्फेक्टेंट। सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पाउच होते हैं वो बटरफ्लाई के अंदर होते हैं। ह्यूमन टीथ आर लॉज इनसाइड द गम, दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म, इसको कहते हैं थीकोडोंट। उसके अलावा था एंटीजन प्रेजेंटेशन जो होता है वो फंक्शन होता है मैक्रोफेजेस का। डैश इज रेफर्ड टू द एक्युमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, तो ये एडिमा की डेफिनेशन थी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक जो होते हैं मैक कॉलेजेस के एमसीक्यूज। तो उसके बाद अगला था मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहिबिटिंग इन द सेम एयर इज कॉल्ड, तो वो होता है पॉपुलेशन, यानी एक ही टाइम में एक ही जगह पे जो स्पीशीज रह रही होती हैं वो पॉपुलेशन बनाती है। इस तरह से एक दो पॉपुलेशन मिलकर जो एक साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं वो एक कम्युनिटी बना रही होती हैं। उसके बाद था ऑल ऑफ दीज आर मोनोमर्स एक्सेप्ट, पहले ऑप्शन में बायोस्फीयर कह रहे हैं जो कि वैसे ही कोई मोनोमर नहीं होता, लेकिन ऑप्शन बी और डी यानी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं मोनोमर होते हैं। ग्लूकोज जो होता है शुगर का मोनोमर है, अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का मोनोमर है। सक्रोज मोनोमर नहीं होता, वो एक डाइसेक्राइड होता है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस हिसाब से सक्रोज हो जाता है क्योंकि बायोस्फीयर तो वैसे ही कोई मोनोमर नहीं है, ठीक है। बाकी मिस्टेक भी हो जाती है बाजा का इस तरह के सवालों में, करेक्ट आंसर सक्रोज हो जाएगा। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, तो ये होती है क्वार्टरनरी प्रोटीन, बुक में लिखा हुआ है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताई हुई हैं। उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड विच ऑल्सो सर्व्स एज एन एंजाइम, तो वो होता है राइबोजाइम। चैप्टर वन में एंजाइम की जो इंट्रोडक्शन है वहीं पर आपको साथ में लिखा मिल जाएगा, ये वाला वर्ड बोल्ड हुआ है। उसके बाद है फाइसिलस बिलोंग्स टू क्लास, तो वो बिलोंग करता है ऑप्शन ए हाइड्रोजोआ से। उसके बाद है द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ द साइनिडेरियंस, तो वो होते हैं प्लैनुला। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो एनलिडा और मस्कुलेंस दोनों के अंदर थे। टॉर्नेरिया जो था वो हेमिकॉर्डेटा का था और एम्फीब्लास्टुला जो था वो पॉरीफेरा का लार्वा था। ये आपको लार्वा सारे याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी सवाल जो है वो रिमेनिंग वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।